दार्शनिक जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं, किसी भी समाज को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका उनके इतिहास की अपनी समझ को नकारना और मिटा देना है। इतिहास विकृतीकरण एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा अपने अपने आसपास टेलीविजन, न्यूज़पेपर, घर, ऑफिस आदि में कभी न कभी जरूर सुनी होगी। इतिहास विकृतीकरण के लिए मुख्यतः दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, अपनी व्यक्तिगत अवधारणा या मत को अलोकतांत्रिक तरीके से बिना प्रमाण के तथ्य के रूप में प्रचारित करना, दूसरा तथ्यों को छिपाते हुए झूठ का सुनियोजित प्रचार करना। क्षत्रिय इतिहास का विकृतीकरण वास्तव में उत्तर व मध्य भारत के इतिहास का विकृतीकरण है, जिसे सांस्कृतिक आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि कुछ विशेष समूहों के निजी हितों के कारण भारतवर्ष के सैन्य एवं सांस्कृतिक इतिहास का राजनीतिकरण होने लगा है। आइए अब जानते हैं क्षत्रिय इतिहास विकृत क्यों किया जा रहा है, इन सांस्कृतिक आतंकवादियों का उद्देश्य क्या है। पहला, क्षत्रियों के खिलाफ सर्व समाज में पूर्वाग्रह और जातिगत वैमनस्य फैलाना। दूसरा, मनगढ़ंत अवधारणाएं लाकर न केवल क्षत्रियों को अपनी ही सामुदायिक पहचान से बेदखल करना, अपितु विभिन्न जातियों को क्षत्रियों के विरुद्ध लामबंद करना। तीसरा, सरकारी और सिविल सोसाइटी को क्षत्रियों के विरुद्ध करना, ताकि क्षत्रियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म किया जा सके। चौथा, क्षत्रिय युवाओं के आत्मविश्वास को हानि पहुंचाना, जिससे वे एक संगठित सामाजिक अथवा राजनीतिक इकाई के रूप में लामबंद न हो सके। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं ये सब कौन और किस प्रकार कर रहा है। द प्रिंट पर लिखने वाले दिलीप मंडल, ट्विटर पर प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर स्वर्गीय मेजर ध्यान सिंह बैस, जिन्हें हम ध्यानचंद के नाम से जानते हैं, उन्हें कोएरी कहकर संबोधित करता है, जबकि ध्यानचंद स्वयं अपनी आत्मकथा में खुद को राजपूत लिख गए। लेकिन मंडल की इस हरकत ने क्षत्रिय समुदाय और कोएरी समुदाय के मध्य व्यर्थ का बैर पैदा करने का काम कर दिया। इसी प्रकार आरएसएस द्वारा कई वर्षों से राणा पूंजा को भील प्रचारित करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। राणा पूंजा, जो कि मेवाड़ के पानरवा ठिकाने के सोलंकी राजपूत सिरदार थे, उन्हें भील कहकर प्रचारित करना भीलों एवं क्षत्रियों के बीच उत्पन्न व्यर्थ के मतभेद का कारण बन रहा है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में राजपूत रानी दुर्गावती चंदेल को गोंड प्रचारित करके राजपूत बनाम गोंड करने की पटकथा लिखी जा रही है। आरएसएस क्षत्रिय सम्राट मेहर भोज को भी गुजर प्रचारित करती आई है, जिसके कारण तमाम तथ्य होने के बावजूद एक पूरी जाति वो बनने को प्रयासरत हो चुकी है जो वो कभी थी ही नहीं। तो कभी बागपत का बीजेपी सांसद सत्यपाल तोमर राजपूत राजा आनंदपाल को जाट बताकर तोमर राजपूतों पर तंज कसता है। ये सारे कृत्य जनमानस में आम क्षत्रियों के विरुद्ध द्वेष फैलाने की एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश है, जिसका समर्थन कुछ भ्रष्ट इतिहासकार एवं पत्रकार भी बड़ी बेशर्मी से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए द स्क्रॉल पर लिखने वाले मराठी ब्राह्मण गिरीश रहाणे, उनके कई लेख जहां वो क्षत्रियों को डिफीट स्पेशलिस्ट जैसी उपमाओं से संबोधित करता है। शाहणे के जातिवादी लेख को समर्थन मिला प्रख्यात इतिहासकार हरबंस मुखिया का। हरबंस मुखिया 2018 में बीबीसी को दिए अपने लेख में लिखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में राजपूतों का कोई योगदान नहीं रहा, जबकि म्यूटिनी के समकालीन लेखकों को यदि हम कोट करें तो पाते हैं कि उत्तर भारत में 1857 की क्रांति के सूत्रधार राजपूत ही थे। 1858 में ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल जॉर्ज बी मेलसन ने अपनी किताब द म्यूटिनी ऑफ द बंगाल आर्मी में लिखा, प्रथम दृष्टि में मात्र सैन्य विद्रोह दिखने वाली इस क्रांति ने तेजी से अपना स्वरूप बदल लिया और ये एक राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। बिहार के राजपूत गांवों में, यूपी के बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर जिलों में, पूरे दोआब में जिसमें इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और आगरा के संभाग शामिल हैं, रोहिलखंड और अवध के प्रांतों में हमारे शासन को हिला कर रख दिया और हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी तरह A.R. यंग लिखते हैं, शाहबाद में क्रांति ने एक राष्ट्रीय बगावत का रूप ले लिया। स्थानीय राजपूत जमींदारों के समर्थन में जिले की पूरी राजपूत आबादी खड़ी हो गई। W. स्लीमैन भी लिखते हैं कि मैंने विश्व में कई देशों में कई युद्ध देखे, पर ऐसा कभी नहीं देखा जैसा युद्ध अवध के जमींदारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा। स्पष्ट तथ्यों के उपलब्ध होने के बावजूद भी यदि कोई इतना बड़ा इतिहासकार विरोधाभासी बातें करे तो निसंदेह उसकी नीयत में ही खोट है। इसी लेख में प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में राजपूतों का योगदान शून्य है। राजपूत राजाओं द्वारा बनवाए गए अस्पताल, रेल परिवहन, डैम, उच्च न्यायालय, सैन्य बल,
भूदान में लाखों एकड़ जमीनें आदि जो आधुनिक भारत को उनसे विरासत में मिली। वीपी सिंह गहरवार द्वारा लागू ओबीसी आरक्षण जिससे हजारों जातियों को लाभ मिला। खेल, फौज, कृषि, शिक्षा, प्रशासन में आम क्षत्रियों का योगदान प्रोफेसर साहब के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, अजीब विडंबना है। प्रोफेसर मुखिया राजपूतों के सांस्कृतिक, दार्शनिक, सैन्य योगदान को नकारते हुए लिखते हैं कि अगर हम इतिहास में राजपूतों की किसी तरह की भूमिका का मूल्यांकन करें तो मुगल शासन को स्थायी बनाने और फैलाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। अकबर के जमाने से आखिर तक राजपूतों ने मुगलों के शासन को स्थिरता देने में अहम भूमिका अदा की। भाटियों द्वारा राजस्थान में स्थापित जैसलमेर से लेकर मोती सिंह कर्नाट द्वारा स्थापित मोतिहारी तक, जम्बाल राजपूतों के जम्मू से लेकर कलचुरी राजपूतों द्वारा स्थापित जबलपुर तक राजपूतों ने अनेकों कस्बे शहर बसाए, किंतु प्रोफेसर मुखिया इन्हें नहीं देख सकते। मुखिया जी को न खजुराहो, न चौसठ योगिनी, न बद्रीनाथ, न जंतर मंतर दिखाई देते हैं, न ही मुखिया जी को गोगा देव, रामाबीर, नाथ संप्रदाय दिखता है, और न उन्हें यशोवर्मन परमार, मेहरभोज प्रतिहार, दुर्गावती चंदेल, दुल्ला भट्टी, बंदा बहादुर मिन्हस, जोरावर सिंह कहलूरिया, जनरल सगत सिंह दिखते हैं। यही लॉबी क्षत्रिय समाज को दूसरे समाजों से कमतर दिखाने के लिए हमारे अस्तित्व को कुछ राजाओं और मुगलों के वैवाहिक संबंधों और मनसबदारी तक सिमटकर नैरेटिव गढ़ती है, मगर ये नहीं बताती कि उस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अन्य अभिजात जातियां मुगल प्रशासन में क्या कर रही थीं। ये इस बात को भी छिपाते हैं कि औरंगजेब के शासन में सर्वाधिक मनसबदारियां वीर मराठों की थीं, ना कि राजपूतों की। ये इस बात पर भी पर्दा डालते हैं कि जाट, गुजर, अहीर, चौधरी कबर कैसे बने। ये न केवल मराठों और डेक्कन सल्तनत के वैवाहिक संबंधों बल्कि जाटों और मुगलों के वैवाहिक संबंधों को भी छिपाते हैं। स्पष्टतः ये न केवल क्षत्रियों के योगदान को नकारते हैं बल्कि हमारे इतिहास को चेरी पिक करके हमारे समाज को सिंगल आउट कर सर्व समाज में हमारे विरुद्ध पूर्वाग्रह फैलाते हैं। इतिहासकारों की इस लॉबी के राजपूत महापुरुषों को लेकर अशोभनीय ट्वीट पढ़ें और सोचें कि क्या महाराजा रणजीत सिंह, शिवाजी, जीजाबाई, लचित बोरफुकान, महाराजा सूरजमल पर कोई इतिहासकार ऐसे आपत्तिजनक बयान दे सकता है। मूल्यांकन कीजिए, क्या ये आम क्षत्रियों को नीचा दिखाने एवं उनका मनोबल तोड़ने का सुनियोजित प्रयत्न नहीं है। आजकल यही वर्ग ये भी दुष्प्रचार करता है कि 12वीं सदी से पूर्व कोई राजपूत जाति नहीं थी और कुतर्क देता है कि राजपूत और क्षत्रिय भिन्न हैं। यही नहीं बल्कि ये राजपूतों को अन्य जातियों का मिश्रण होना भी प्रचारित करते हैं। इतिहासकारों की इसी लॉबी नहीं आरएसएस और दिलीप मंडल जैसों को भी राजपूत इतिहास को लेकर राजनीति देने का मनोबल दिया है। इस लॉबी में हरबंस मुखिया के साथ अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तनुजा कोठियाल, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ हिस्ट्री की रुचिका शर्मा और मणिमुग्धा शर्मा जैसे लोग शामिल हैं। यही लॉबी तथ्यहीन किताबें लिखकर गलत व्याख्या करते हुए फिल्मों और मीडिया के जरिए दुष्प्रचार करती है और यहाँ तक जयपुर एवं लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल का भी सुनियोजित इस्तेमाल करती आई है। इनका मूल उद्देश्य न केवल क्षत्रिय समाज के प्रति सर्व समाज में घृणा पैदा करना है बल्कि अन्य कृषि समाजों को राजपूतीकरण के बहाने भड़काना भी है, ताकि धीरे धीरे न केवल इस लोकतंत्र में क्षत्रिय समुदाय को राजनैतिक और सामाजिक रूप से खत्म कर दिया जाए बल्कि उनके खिलाफ जातीय हिंसा और दंगे भड़काए जाएं। यदि अब भी आप अपने इतिहास एवं वर्तमान को क्षण क्षण विकृत होता देख मौन रहते हैं तो आपका भविष्य निश्चित तौर पर सुरक्षित नहीं है।